हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम देखेंगे पंजाब में सेकंड वीक ऑफ अगस्त 2021 में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो लेट अस सी। सेकंड जलियांवाला बाग मेमोरियल अनवील्ड। सो जलियांवाला बाग मैसेकर विच टुक प्लेस ऑन 13th of April 1919, उसका एक मेमोरियल ऑलरेडी जलियांवाला बाग में बना हुआ है। बट When its 100 years were completed, 2019 में जब इसके 100 साल कंप्लीट हुए थे, तो उस मौके पर एक सेंटेनरी मेमोरियल पार्क बनाने का प्रॉमिस जो है वो सरकार ने किया था। जब जलियांवाला बाग सेंटेनरी मेमोरियल पार्क, यानी कि 100 साल इसके कमेमोरेट करने के लिए, एंड द वर्क स्टार्टेड देन, और अब इसका काम कंप्लीट हो गया। इट हैज़ बिन मेड। सो ऑन द ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, तो 14 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको अनवील किया है। एंड इसके ऑफिशियल जो है 488 मार्टर्स का डेटा सरकार के पास है, यानी कि सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग 488 लोगों की जो है उसमें डेथ हुई थी। तो उन सभी के सभी मार्टर्स के गांव और लोकेलिटी से मिट्टी लाकर कलेक्ट की गई है और उसको मेमोरियल बनाने में इस्तेमाल किया गया है, सो एज टू गिव देम अ ट्रिब्यूट, राइट। डेप्टी कमिश्नर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि 1250 गोलियां चलाई गई थी, राइट। तो एक्चुअल नंबर जो है मार्टर्स का वो हाई भी हो सकता है, तो इसके ऊपर भी अब एक स्टडी की जाएगी, क्या वाकई इतने ही मार्टर्स थे या फिर इससे ज़्यादा थे। सो स्पेशल टीम ऑफ हिस्टोरियंस एंड रिसर्च स्कॉलर्स हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फॉर कैरिंग आउट रिसर्च ऑन मार्टर्स ऑफ जलियांवाला बाग एंड फ्रीडम फाइटर्स इम्प्रिजन्ड इन सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर, ताकि इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जा सके, कौन कौन लोग थे, कहाँ थे, एंड द नेम्स ऑफ मोर मार्टर्स माइट बी डिस्कवर्ड। कुछ नए नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, और उनके लिए जो नए मेमोरियल में कॉलम्स बनाए गए हैं, जो खंबे लगाए गए हैं, उन पे जगह भी खाली छोड़ी गई है, सो दैट देयर नेम्स कैन बी कमेमोरेटेड। द आइडिया इज टू गिव अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू ऑल दोज मार्टर्स हु डाइड इन दैट हेनस अटैक। तो ये जो मेमोरियल है, यहाँ पे एक म्यूरल बनाया गया है बहुत ही अच्छा, जिसे बंगाली आर्टिस्ट मलॉय घोष ने बनाया है। साइड नॉलेज, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद दो इंडियन फ्रीडम फाइटर के फेमस फाइटर्स थे जिन्होंने अपने अपने टाइटल्स गिव अप कर दिए थे। द फर्स्ट वन वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, ही गेव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड which was awarded by the Queen of England, and second थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भी केसरे हिंद का टाइटल दिया हुआ था, जो कि उन्होंने वापस कर दिया था, केसरे हिंद। तो ये दो लोगों ने ये दो टाइटल्स वापस कर दिए थे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के तहत दो जो है रीजनल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। वन वॉज सैफुद्दीन किचलू, एंड अनदर रेवोल्यूशनरी। तो दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसके प्रोटेस्ट में वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, बट दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। सो अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री हियर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टू सेव वाटर इन राइस कल्टीवेशन। सो फॉर एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब, फॉर इकोलॉजी ऑफ पंजाब, दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नबार्ड ने मिलके एक कलेबरेटिव प्रोजेक्ट चलाया है, नेम्ड, कोई नाम नहीं है प्रोजेक्ट का, टू प्रमोट डायरेक्ट सीडिंग राइस टेक्नोलॉजी इन पंजाब। तो पंजाब में DSR या डायरेक्ट सीडिंग राइस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट PAU और नबार्ड ने मिलकर चलाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन पर्पस है कि जो पानी की कंजम्पशन है उसे कम किया जा सके। सो दिस इज अ 2-year नबार्ड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, और इसका फोकस रहेगा फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे। DSR टेक्निक में बेसिकली सीड को जो सैपलिंग है, पैडी राइस, पैडी क्रॉप है, उसकी सैपलिंग को डायरेक्टली प्लांट कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इट इन द फील्ड। तो उससे पानी की बहुत सारी बचत होती है,
तो कैसे फार्मर्स को इसके ऊपर और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा सके एंड डेमोन्स्ट्रेशंस दी जा सके, इसके ऊपर ये 2 साल का प्रोजेक्ट काम करेगा। इसका मेन पर्पस है वाटर सेविंग टेक्निक्स को बढ़ाना, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके। कुछ वीडियोस में इससे कुछ हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे पंजाब में जो ग्राउंड वाटर लेवल है इट इज़ गोइंग वे डाउन। तो पंजाब के कुछ 100 एंड वी डिस्कस सम फिगर कि इतने ब्लॉक्स में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड एरिया, रेड जोन में जा चुका है। सो ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन बिकॉज सिंस द डेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोथ पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन वाटर गजलिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पैडी, यू नो पैडी प्लांटेशन इज कंसर्न। तो ऐसे में DSR टेक्निक अगर अपनाई जाती है तो 15 से 20% तक पानी को बचाया जा सकता है, विच इज अ बिग फिगर। राइट, ट्रेनिंग वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और फार्मर्स ने इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, जैसे कि 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है 6 जिलों में जहाँ पर टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट की जा चुकी है। सो वी डू नॉट नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस टेक्निक, यू जस्ट नीड टू नो दैट दिस इज अ टेक्निक ऑफ डायरेक्टली सीडिंग द राइस इनटू द फील्ड्स एंड अ लॉट ऑफ वाटर कैन बी सेव थ्रू दिस टेक्निक। नेक्स्ट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज है। सो पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वाई इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? बिकॉज इट इज मेड अंडर अ स्टैट्यू। विच स्टैट्यू? द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एक्ट और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रादर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दीज बॉडीज हैव बीन क्रिएटेड। सो इट इज अ 3-tier स्ट्रक्चर। सबसे बॉटम लेवल पर जो है हमारे पास आती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। सो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम इज एट द बॉटम लेवल। देन कम्स द स्टेट कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन विच इज फॉर एवरी स्टेट, एंड देन कम्स योर नेशनल कमीशन। तो इन सब की जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है और इन सब की जो पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन है वो भी अलग अलग है। सो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स डिस्ट्रिक्ट फोरम में डायरेक्टली आप वही कंप्लेंट लेके जा सकते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट में उस स्टेट की हो और नेशनल कमीशन में पूरे इंडिया की कोई भी कंप्लेंट। नेक्स्ट, पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन मतलब कि मनी वाइज एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की अगर डिस्प्यूट है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में चैलेंज होता है, उसके बाद उसके अगेंस्ट अपील जाती है स्टेट कमीशन में, एंड देन अपील अगेंस्ट दैट गोज टू द नेशनल कमीशन। सो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी है। उसके अलावा स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन भी है, यानी कि अपने से लोअर लेवल की बॉडी की अपील्स जो है वो यहाँ पर सुनी जा सकती है। तो जो पंजाब की स्टेट कमीशन है यानी कि पूरे पंजाब की जो एक बॉडी होती है, द फर्स्ट वुमन एडवोकेट टू बिकम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज जस्टिस दया चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस कमीशन। तो जस्टिस दया चौधरी, जिनके नाम पे रिकॉर्ड है कि वो पहली वुमन एडवोकेट थी जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जज बनी, शी हैज नाउ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अभी तक हरियाणा में और ना ही चंडीगढ़ में कोई वुमन इस कमीशन की प्रेसिडेंट बनी है। सो इट इज द फर्स्ट फॉर पंजाब। और जस्टिस दया चौधरी जो है 2007 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जज बनी थी, एंड शी अटेंड सुपर एनिमेशन ऑन जनवरी 9 दिस ईयर। दैट मीन्स रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कैन बिकम, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इज जनरली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, पंजाब टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ वाटर सप्लाई बिल्स इन विलेजेस। रूरल एरियाज में पानी के बिलों को ऑनलाइन पे करने की फैसिलिटी लॉन्च कर दी गई है। इट हैज बीन लॉन्च बाय पंजाब वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मिनिस्टर रजिया सुल्ताना। तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये बहुत जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी, एंड इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च। ऑनलाइन बिलिंग एंड रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन सम विलेजेस ऑफ मोहाली डिस्ट्रिक्ट।
आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट फॉर 7 months, 7 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट चला एंड देन इट हैज बीन लॉन्च्ड, और इसे धीरे धीरे पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. सो पंजाब हैज 23 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन विच इज मलेरकोटला. तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसे बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि रूरल एरियाज में भी जो कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑनलाइन बिल पे कर सके. इसके अलावा सिंस स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज नॉट वेरी गुड इन रूरल एरियाज, इसलिए SMS के थ्रू भी ये बिल सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और ऑनलाइन बिल पे करने की ऑप्शन उसमें भी SMS में भी दी जाएगी. तो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेयर गवर्नमेंट इज एट योर डोर स्टेप. यू डू नॉट नीड टू गो टू द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट एंड टू पे योर बिल, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन. तो पूरे पंजाब लेवल पर ये अब करने की कोशिश हो रही है. इसके अलावा अगर कोई घर पे भी बिजली का बिल कलेक्ट करने आता है, सो दे विल बी कैरिंग POS मशीन्स टू द डोर स्टेप ऑफ कंज्यूमर्स. POS हियर मींस पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि कोई ऑनलाइन कार्ड से भी, कार्ड स्वाइप करके भी उसके पेमेंट जो है वो कर सकता है, चाहे कार्ड हो चाहे कैश हो. दिस ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड टू देम. सो मल्टीपल बिल पेमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, UPI. सो ऑल दिस कैन बी डन टू मेक इट यूजर फ्रेंडली. सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक यूजर फ्रेंडली वे में पहुंचाना इज द पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस. गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप एट द फ्रेंडलीनेस ऑफ द यूजर. इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए HDFC बैंक के साथ कोलैबोरेशन की गई है. HDFC बैंक ने टेक्नोलॉजिकल और बैंकिंग प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड कराया है. इस सिस्टम के इंप्लीमेंट हो जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी बहुत अच्छे से इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स थ्रू लाइव ऑनलाइन MIS रिपोर्टिंग and dashboards at all levels for monitoring of bill collection. किसी भी तरह की धांधली नहीं हो पाएगी, किसी तरह की करप्शन नहीं हो पाएगी, because online the bills will be paid and they will be updated in real time. तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी. एंड दिस विल इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि अभी जनरली बहुत सारे लोग पानी का बिल नहीं भरते हैं बिकॉज आइदर इट इज टू मिनिस्क्यूल एन अमाउंट और दे डू नॉट बॉदर. तो इससे रेवेन्यू कलेक्शन इम्प्रूव होगा और स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा बहुत कम होगा, बिकॉज पंजाब इज नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल सिचुएशन राइट नाउ. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया कमेटी रिकमेंडेशंस, मॉन्टेक आहलूवालिया कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन पंजाब इकोनॉमी, कि कैसे पंजाब की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है आफ्टर COVID-19. तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी यही था कि पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेन स्टेट्स ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से या जैसे भी अपना रेवेन्यू इंप्रूव कर पाए, इट्स अ बेटर. नेक्स्ट, हेल्थ कवर फॉर 3.5 लाख पंजाब फार्मर्स. तो अंडर द आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना, सो दिस नेम माइट साउंड अ बिट कंफ्यूजिंग टू यू, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना है दिस इज बींग रन बाय द सेंटर, और जो सर्वत सेहत बीमा योजना है दिस इज रन बाय द स्टेट. तो क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही उनका जो क्लाइंटेल है, उनके जो बेनिफिशियरीज हैं वो सेम है, इसलिए इसको कंबाइंड वे में इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट में, आयुष्मान भारत सर्वत सेहत बीमा योजना, ताकि किसी तरह की ओवरलैपिंग ना हो. तो ऑलरेडी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख किसान जो है वो पिछले साल कवर कर लिए गए थे. अभी पंजाब ने 3.5 लाख और किसानों को इसमें कवर किया है फॉर द ईयर 2021-22. तो सारे किसान जो भी जे फॉर्म्स भरते हैं और जिनके पास शुगर केन वेटमेंट स्लिप्स हैं, उन सबको भी इसके लिए एलिजिबल बना दिया गया है. ये कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसान के पास होते हैं, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है पंजाब मंडी बोर्ड. पंजाब मंडी बोर्ड ने इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया है पहली बार. तो इसलिए जो किसान हैं उन्हें अब मार्केट कमेटी के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, दे कैन अप्लाई ऑनलाइन. इसको थोड़ा एक्सपैंड भी किया गया है स्कीम को. अब इसमें 642 एनपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो ऑफकोर्स इसका हिस्सा है ही, 208 गवर्नमेंट फैसिलिटीज इसका हिस्सा है. 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है. इसमें करीब करीब 1600 बीमारियाँ या डिजीजेज कवर किए गए हैं, एंड फार्मर्स कैन गेट दिस बेनिफिट फ्रॉम 20th August ऑनवर्ड्स दिस मंथ, जो नए किसान ऐड किए गए. तो पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर लाल सिंह राइट नाउ.
तो उनके अकॉर्डिंग मंडी बोर्ड वुड पे द एंटायर प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस कवर ऑफ ऑल द फार्मर्स। इसकी जितने भी प्रीमियम बनेगा उसको मंडी बोर्ड खुद पे करेगा, सो फार्मर्स डू नॉट नीड टू पे इट। और कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी ट्रीटमेंट फॉर अप टू 5 लाख रुपीज पर ईयर। इनमें फार्मर्स भी कवर होंगे और उनकी फैमिलीज भी कवर होंगी। 5 लाख ऑलरेडी कवर हो गए थे, 3.5 लाख अब कवर किए हैं। सो दैट इज हाउ दिस स्कीम इज रियली गुड स्कीम फ्रॉम द पर्पज ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू ऑल द फार्मर्स, सोशल सिक्योरिटी नेट इज अ वेरी गुड स्कीम। सो यू शुड नो अबाउट इट इन डिटेल। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, सब में ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। राइट, सो सोशल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से गवर्नमेंट स्कीम्स में भी, गवर्नमेंट स्कीम सोशल सिक्योरिटी दोनों के पर्सपेक्टिव से ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट इज ऑल वी हैड टू कवर इन दिस वीक्स करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।